और ये सुबह का समय है और सूर्य की लालिमा, सूर्य की पहली किरण के साथ मैं आपका सुप्रभात करता हूँ। आदर आभार नमस्कार। और दूर दूर तक हरियाली, बड़े बड़े खेत और आगे है सोन नदी। सोन नदी के तट पर हम अभी अवस्थित हैं। हमारा गांव एक्चुअली सोन नदी के तट पर ही अवस्थित है और मेरे घर से हमारी सोन नदी की दूरी की बात की जाए तो महज हम समझते हैं कि ये 50 मीटर या इससे भी कम का होगा। और इतनी दूरी पर हमारा घर अवस्थित है, बिल्कुल सोन नदी के पास में अवस्थित है हमारा घर और हम उसके तट पर हैं। और सोन नदी में भी आपको लिए चलते हैं, उधर भी देख पा रहे होंगे दूर दूर तक खेत ही खेत। और ये खेत हैं सरसों के और गेहूं इसमें बोई हुई है, आप देख पा रहे होंगे सरसों। सरसों दूर दूर तक सरसों खेत दो राय नहीं। खैर आगे चलते हैं। और ये एक अलग चीज़ का अनुभव, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को ये दृश्य मन को भा रहा होगा। ये हम लोग स्थानीय भाषा में लहर बोलते हैं, लहर से अभिप्राय है जो अरहर की जो फसलें होती हैं वो इस खेत में बोई गई हैं। और इनकी सुंदरता देखिए, ऐसा लग रहा है मानो हम किसी पुष्प वाटिका में प्रवेश कर गए हैं और एक गार्डन सा फीलिंग आ रहा है, गार्डन का फीलिंग। तो फ्रेंड्स दूर दूर तक यही है और अभी सुबह का समय है और हम अभी बात की जाए तो लगभग 7 बजने को हैं। तो फ्रेंड्स और आगे चलते हैं, अब हम चलेंगे नदी में। भारत की जो चौड़ी नदियों में से एक हमारी सोन नदी भी है, तो चलते हैं सोन नदी में हम लोग। वहाँ का भी आपको दृश्य दिखाऊंगा और जो हमारे मित्र हमसे नए जुड़े हैं मैं उनका पुनः अपने चैनल पर स्वागत करता हूँ। तो हम वीडियोस के आखिर तक बने रहिएगा। बहुत सारे मित्रों को हमारा वीडियोस पसंद आता है, ये मन को सुकून देने वाला क्षण है। काफ़ी सुखद अनुभूति प्राप्त होती है जब लगता है कि मेरा प्रयास करता हूँ। तो ये रहा अभी हम सोन नदी के मुहाने पर खड़े हैं और नीचे धीरे धीरे उतरने को प्रयासरत हैं। नीचे आ गए जनाब। ये रहा। और एक अलग तरह का ही एक अनुभव। और अभी हम दूर दूर तक ये सोन नदी अपनी सुंदरता, बेशक अपनी सुंदरता, एकांत और बेहद शांति सुकून भरा ये पल मुझे बहुत भाता है और मैं लगता है कि मैं किसी अलग दुनिया में ही चला गया। सुकून के दो पल बिताना है तो अगर आप भी अगर शहरों में रहते हैं और अपने गांव से दूर हैं तो ज़रूर किसी खास अवसर पर या गर्मियों की छुट्टी में अपनी घर की ओर रुख कीजिए, अपने गांव की तरफ रुख कीजिए और अनुभव लीजिए ग्रामीण जनजीवन का। उधर कुछ बगुले आपको नहीं नज़र आते होंगे, यहाँ
यहाँ से साफ मुझे ही नहीं दिख रहे हैं। और ये रहा नदी, ये उसकी मात्र एक छोटी सी निकली हुई एक धारा है, मुख्य धारा उस पार है। वहाँ जाने के लिए अभी बहुत समय लगेगा, तो अभी हम मुख्य धारा के पास तो नहीं हैं। और ये स्थिति अब है जब पानी एकदम बेहद ही सीमित और सूख गया है। इससे 3-4 नहरें निकली हैं जो कि सिंचाई कार्यों में उसका उपयोग किया जाता है। तो उन नहरों को जब खोला जाता है कृषक भाइयों के लिए, उसे पानी प्रवाहित होती है, तो ये सोन का जो पानी है, सोन रिवर का पानी, ये सूख जाता है। तो उसी का परिणाम स्वरूप ये आपके सामने है। लेकिन जब वह नहरें का पानी उपयोग में नहीं होता है तो वहाँ तक जो आप मुहाना देख रहे हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। और मिलते हैं अगले वीडियोज़ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, और गर्व से कहेंगे वंदे मातरम। जय हिंद।